फेसबुक पर अकाउंट नहीं खुल रहा था, तो बच्चे ने नाम उर्मिल कर दिया क्योंकि उसका नाम सिद्धार्थ उर्मिल है, तो उसने मुझे अपना सरनेम दिया। एनीवे, तो मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया अपनी बात करने के लिए। और बड़ा अद्भुत संयोग है, इस वक्त हम लोग ये बात कर रहे हैं, पूरे देश में एक अजीब हालात बने हुए हैं। और ये भी एक अजीब बात है कि कल ही मतलब 6 तारीख है और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस है। हम बहुत सारे जो इस देश के गरीब आदिवासी उत्पीड़ित समाज के लोग हैं, डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने संघर्षों का एक प्रतीक पुरुष देखते हैं। सवाल यह है कि इतने वर्षों से अगर हम उनकी शिक्षाओं को, उनके आंदोलन को, उनके विचारों को अपना एक आदर्श मानते आ रहे हैं, तो हमारी राय आज कितनी पीछे क्यों है? हमारे अंदर, समाज के उत्पीड़ित तबकों के अंदर बहुत सारे आंदोलन उभरते हैं और क्या वजह है कि वे राष्ट्रीय फलक तक नहीं पहुंच पाते और एक विकल्प का आकार नहीं दे पाते? क्या वजह है? हम 2-4 बातें आपसे करेंगे क्योंकि हमें एक और बैठक में जाना है। त्रिपुरा में 2 पत्रकारों की हाल के दिनों में हत्या हुई है, उस पर प्रेस क्लब ऑफ इंडिया आज एक प्रोटेस्ट मीटिंग कर रहा है, संयोग बस उसका भी वक्त अभी हाल ही में 3 बजे थे। लेकिन हम कुछ आपके सामने ये फैक्ट्स रखना चाहते हैं। मैं कोई आंदोलनकारी नहीं हूँ, मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, मैं एक पत्रकार हूँ और कोशिश करता हूँ कि आपकी लड़ाइयों को, आपके संघर्षों को हम अपनी लिखनी से या अपनी आवाज से कोशिश करें कि उसको लोगों को बताएं। हालांकि आजकल वो दायरा जो है लिखने का और पढ़ने का और बोलने का भी सिमटता जा रहा है। पूरा का पूरा जो मीडिया है, खासकर इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स जो हैं, टेलीविजन है, वो हर शाम को एक भजन मंडली में तब्दील हो गए हैं। ऐसा लगता है कि जो मृदंग एक बाजा होता है, आप लोग जानते हैं ना, ढोलक जैसा, तो ऐसा लगता है कि 6 बजे से शाम शुरू हो जाता है और 11 बजे रात तक एक ही तरह की आवाजें मृदंग से निकलती रहती हैं। सिर्फ एक व्यक्ति, एक पार्टी, एक सत्ता, एक तरह के विचार, वही केवल मृदंग बजता रहता है। तो मीडिया में भी बड़ी समस्याएं हैं और ये अच्छी बात है कि आप लोगों के बीच भी लोग सोशल मीडिया के जरिए और तरह तरह के अन्य माध्यमों के जरिए अपनी बात समाज तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ भी एक संकट होता है कि बहुत सारे लोग हमारे ही बीच के सोशल मीडिया पर या दूसरे तरह के अन्य जो माध्यम है उनको अपना अंतिम विकल्प मान लेते हैं। ऐसा लगता है कि वही सब कुछ है और होता यह है कि संघर्ष छूट जाते हैं, सक्रियताएं छूट जाती हैं, लड़ाइयां छूट जाती हैं और लोग इसी में उलझ कर रह जाते हैं। तो यह इस खतरे को भी देखता है इस वक्त, क्योंकि सत्तारूढ़ दल, सत्तारूढ़ जो विचारधारा है इस वक्त की, वो यही चाहती है कि लोग तमाम तरह के अपने दायरों में सिमटते रहें और वो राजकाज अपना विस्तार करते रहे। देखिए, जो बातें मैं कहना चाहता था कि देखिए, चंद्रशेखर जो भीम आर्मी के चीफ हैं, जब उनकी सहारनपुर में उनका आंदोलन चल रहा था तो अशोक और हम लोग आपस में मिलकर बात करते थे। हम दोनों लोग छात्र आंदोलन के साथी हैं, एक समय हम लोग विद्यार्थी थे, तो हम लोग काफी कोशिश किए कि इस बारे में कुछ चीजें आ जाए। कई बार हम लोगों को विफलता भी मिलती है, कई बार कामयाबी भी मिलती है। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि आखिर जो दलित उत्पीड़ित समाज का है उस पर इस तरह का दमन जब होता है तो मीडिया इस देश का कैसे खामोश हो जाता है या वो उल्टी बातें बताने लगता है? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इस देश में किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो बहुत बड़े से बड़े अपराध किए हों और इस तरह से गिरफ्तार करके और रखा जाए और उसको जमानत न मिलने दी जाए? आप देखिए, जो लोग नंगे, बिल्कुल खुलेआम सड़क पे लोगों की आंखों के सामने दिन दहाड़े एक मस्जिद को ढहा देते हैं, मस्जिद हो, मंदिर हो, गिरजा हो, कोई हो, गिरजाघर हो, अरे एक उपासना के स्थल है, कोई उसमें जाता है, कोई नहीं जाता है, लेकिन आप एक मस्जिद को ढहा देते हैं, क्राइम करते हैं, पूरे देश की अदालतें कहती है कि ये क्राइम है, आप अदालतों में जाकर शपथ करते हैं कि हम ऐसा नहीं करने वाले हैं, आप नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की बैठक में करते हैं और फिर आप चुनते हैं 6 दिसंबर अंबेडकर का निधन जिस दिन हुआ था उसी दिन आप एक मस्जिद को अयोध्या में ढहा देते हैं और आपका बाल पाता नहीं होता।
आपकी गिरफ्तारी की बात छोड़िए, जमानत की बात छोड़िए, आप हीरो बना दिए जाते हैं, आप तख्त पर बैठा दिए जाते हैं। ये क्या चमत्कार है? इतने सारे इस देश में दंगे हुए हैं आजादी से लेकर और आज तक। कभी आपने सुना है कि दंगों के लिए जिसमें सैकड़ों लोग मारे जाते हैं, और गुजरात के दंगे में तो हजारों लोग मारे गए। भागलपुर का दंगा हमने कवर किया था, हमने बिहार शरीफ का दंगा कवर किया है, एक नवभारत टाइम्स के पत्रकार के तौर पे हमने देखा है कि किस तरह दंगों में निरपराध, निर्दोष और बिल्कुल साधारण किस्म के लोग मारे गए, उनकी इंडस्ट्रीज बर्बाद कर दी गई, छोटे छोटे कारोबार जो करते थे, इंडस्ट्रीज में कह रहा हूं सॉरी, छोटे छोटे कारोबार जो उनका था उसको बर्बाद कर दिया गया, उनकी जिंदगी को बिल्कुल डिस्प्लेस कर दिया गया, अपनी जगहों से वो अलग हो गए। लेकिन ये सब कुकर्म करने वाले, ये अपराध करने वाले कहीं गिरफ्त में आते हैं, कहीं उन पर कुछ होता है? तो आखिर क्या वजह है कि जो लोग अपनी न्यायिक मांग को लेकर, अपने बेहद जेन्युइन, बेहद न्यूनतम जो उनकी मांगे हैं, आजाद होने की, खुशहाल होने की, मुक्ति की, वो जब आवाज उठाते हैं तो उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है और जमानत तक नहीं दी जाती है। और जेल में जिस तरह से यंत्रणा दी जा रही है, मैं समझता हूं कि भीम आर्मी की राय, विचारधारा, हो सकता है हम लोग बहुत सारे लोग अलग अलग ढंग से उसकी व्याख्या करें, लेकिन भारत के लोकतंत्र का चेहरा ये दिखाई देता है कि कैसे रोहित वेमुला को मार डाला जाता है, क्योंकि उसकी आत्महत्या भी हत्या से ज्यादा खूंखार है, और उसने अपनी चिट्ठी में लिखी जो बातें वो कमाल की हैं, वो बताती हैं कि इस व्यवस्था का यंत्रणाकारी जो चेहरा है वो कितना खतरनाक है। और दूसरी तरफ चंद्रशेखर को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है, और जो लोग उस इलाके में दंगा कराने वाले थे, जो दलितों पर अत्याचार करने वाले लोग थे, जो दलितों के घरों को जलाने वाले थे, उनका कुछ भी नहीं होता। ठीक इसी तरह से आप देखिए लक्ष्मणपुर बाके, बिहार का एक इलाका, गांव शंकर विभा, जितने इस तरह के गांव हैं जहां 104 लोग टोटल मार डाले गए, एक ही आसपास का ये दौर है, एग्जैक्ट हम डेट अभी नहीं बता पा रहे हैं आपको, लेकिन हमारा ये कहना है कि मामला अदालत में जाता है, अदालतें रिहा कर देती हैं सारे हत्यारों को, एक में लोअर कोर्ट सजा देती है तो हाई कोर्ट उसको उसको बिल्कुल बरी कर देते हैं सारे के सारे लोगों को, दूसरे में लोकल अदालत ही कर देती है, हाई कोर्ट जो है पटना हाई कोर्ट, मैं अदालतों का बड़ा सम्मान करता हूं और हर लोकतांत्रिक व्यक्ति को करना चाहिए, लेकिन आखिर ये न्यायालय किस तरह से है हमारे लोकतंत्र में कि दलित आदिवासी उत्पीड़ित तबकों पर हमला करने वाले, बिल्कुल जो खुलेआम जिन्होंने हमला किया, उन्होंने इंटरव्यू में कहा, उन्होंने बाकायदे अनिरुद्ध बहल की एक डॉक्यूमेंट्री है उसमें रिकॉर्डेड इंटरव्यू में कहा, जी हाँ हमने मारा, हमने इस तरह से मारा, हमने बच्चों को मारा, हमने बूढ़ों को मारा, एवरीथिंग दे हैव सेड, उन्होंने रिकॉर्डेड इंटरव्यू में कहा है, और उन सबको रिहा कर देते हैं। और उस तरह की हत्यारी सेना जिसे रणवीर सेना नाम दिया गया है बिहार में, उसके कमांडर की जब दूसरे अपराधी गिरोहों द्वारा हत्या की जाती है तो पूरे बिहार में उपद्रव मचा दिया जाता है। लक्ष्मणपुर बांके और शंकर विघा के दलितों के हत्या में कुछ भी नहीं होता, सिर्फ कुछ आंदोलनकारी खड़े होते हैं, वो प्रदर्शन करते हैं, धरना देते हैं, न्यायालय के दस्तक देते हैं, लेकिन जब रणवीर सेना के चीफ को दूसरे अपराधी की ओर मार डालते हैं तो पूरे बिहार में उपद्रव मचा दिया जाता है, और उस उपद्रव का जो नेता है, उस उपद्रव का नेता भारत की केंद्र सरकार में मंत्री बना दिया जाता है बाद में। ये है इस देश का लोकतंत्र और ये है इस देश की न्याय व्यवस्था। अब आप क्या कहेंगे? तो जो अभी साथी कह रहे थे आपके, मैं बिल्कुल सहमत हूं कि ये इसलिए हो रहा है कि बरसों बरस से डॉक्टर अंबेडकर की शिक्षाओं को हम लगातार याद करते रहे हैं, हम लगातार कहते रहे हैं कि हमें उन्होंने ये बताया, हमें उन्होंने ये दिखाया, लेकिन जो हमारे बीच से ही जो छिटपुट आंदोलन उभरे हैं, जो नेता उभरे हैं, कैसे उन्होंने बाद के दिनों में कंप्रोमाइजेस किए हैं, निजी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की वजह से, निजी आर्थिक महत्वाकांक्षाओं की वजह से उन्होंने पूरे के पूरे आंदोलन के हित को, उन्होंने पूरे समाज के हित को, उन्होंने एक तरह से सरेंडर कर दिया और व्यवस्था का वो हिस्सा बन गया। मैं निजी तौर पे यकीन करता हूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हमारे देश में लंबे समय तक इररिलेवेंट बनाए रखने की साजिश की गई। जब मैं छात्र था तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मैं पढ़ता था उन दिनों,
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कोई किताब यूनिवर्सिटी रोड के किसी भी बुक स्टॉल पर नहीं दिखाई देती। हम वेद से लेकर पुराण तक, काल मार्क्स से लेकर के और गोर्की तक, टॉलस्टॉय से लेकर गांधी तक, नेहरू से लेकर नरेंद्र देव तक, लोहिया से लेकर के और कर्पूरी ठाकुर तक, हर व्यक्ति के बारे में पढ़ सकते थे, हर व्यक्ति के विचारों को पढ़ सकते थे, लेकिन अंबेडकर पर मुझे कोई किताब नहीं दिखती थी, खासकर हिंदी क्षेत्र में। मराठी में बहुत पहले से आ गई थी किताबें, क्योंकि वहां एक आंदोलन था। लेकिन अंबेडकर को भारत में जो सरकारें इस वक्त बनी, लगातार उन्होंने हाशिए पर रखा, ताकि एक चिंतक के रूप में, एक बड़े दार्शनिक के रूप में, एक बड़े विचारक के रूप में, एक समाज के बदलाव के प्रेरणा स्रोत के तौर पे वो स्थापित न हो सके। और एक तरह से जब वो उनका निधन हुआ तो उनको राजनीतिक वैचारिक रूप से भी उनको बाढ़ डालने की सारी चीजें रची गई। ठीक वैसे ही जैसे भगत सिंह की फांसी के बाद भगत सिंह के साहित्य को, विचारों को बिल्कुल सामने नहीं आने दिया गया, और सिर्फ ये माना गया कि भगत सिंह एक योद्धा था, एक लड़ाकू था, आतंकवादी किस्म का, एक निष्पक्ष आतंकवादी था। लेकिन बाद में लोगों को पता चला कि भगत सिंह तो एक बहुत बड़ा विचारक था, इतनी कम उम्र में दुनिया में कितने विचारक हुए हैं। ठीक उसी तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बाद के दिनों में जब किताबें सामने आने लगी तो पता चला कि भीमराव अंबेडकर, खासकर हिंदी व्यक्ति के लोगों को, कि कितने बड़े विचारक, कितने बड़े दार्शनिक, और न केवल संविधान निर्माण की वजह से बल्कि भारत के समाज व्यवस्था के अंदर के सारे अंतर विरोधों को, पूरी प्राचीन भारत से लेकर आधुनिक भारत के पूरे इतिहास को एक अपने ढंग से व्याख्या करने वाला अनोखा व्यक्तित्व, जिसने वेदों का भी अध्ययन किया हो, पुराणों का किया हो, उपनिषद का किया हो, और पूरे मध्यकालीन भारतीय आधुनिक काल की सारी मीमांसा की, अनोखा व्यक्तित्व। और ये माफ कीजिएगा, मैं तो मानता हूं कि ये काम उत्तर भारत में अगर किसी ने किया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जीवित करने का फिर से, तो कांशीराम ने किया। अगर कांशीराम नहीं पैदा हुए होते भारत की राजनीति में, तो अंबेडकर को मार डाला गया था, खत्म कर डाला गया था। ठीक उसी तरह से भगत सिंह को हमारे कुछ मित्रों ने एक विचारक के रूप में, दार्शनिक के रूप में सामने लाने का प्रयास किया। और मैं खैर मकदम करता हूं प्रोफेसर जगमोहन सिंह को, जो उनके भांजे हैं, प्रोफेसर चमनलाल को, जो हमारे मित्र रहे हैं, छात्र हमारे छात्र जीवन में, इन तमाम लोगों ने रिसर्च किया, उनकी सारे डॉक्यूमेंट्स को लाया, इसके पहले विपिन चंद्रा ने भी कोशिश की थी। तो ये मुझे लगता है कि समाज जब अपनी लड़ाइयां लड़ता है तो अपने आदर्शों को, अपने नायकों को, और साथ में अपने खलनायकों को भी उसको चिन्हित करना चाहिए। हम लोग खलनायक नहीं चिन्हित करते, हम केवल नायक देखते हैं, खलनायक भूल जाते हैं। आखिर क्या वजह है कि एक आंदोलन के बाद, कांशीराम जी के आंदोलन के बाद, सारा का सारा आंदोलन सरेंडर हो गया? अगर रुपए की माया इतनी बड़ी है, अगर निजी महत्वाकांक्षाओं की माया इतनी बड़ी है, तो फिर यकीनन हम अपने आंदोलन को, आप अपने आंदोलन को, अपनी न्यायिक लड़ाई को मंजिले मकसूद तक नहीं ले जा सकते। आज की सरकार, मैं एक जर्नलिस्ट के होने के बावजूद मैं ये कहता हूं, क्योंकि मैं एक नागरिक भी हूं, कि भारत में अनेक सरकारें बनी हैं जो कॉर्पोरेट की रही हैं, बड़े उद्योगपतियों की रही हैं, निहित स्वार्थों की रही हैं, लेकिन आज की जो सरकार है वो भारत की सबसे सबसे जन विरोधी सरकार है। और इस जन विरोधी सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं, खासकर दलित आंदोलन से जुड़े, पिछड़े आंदोलन से जुड़े, उत्पीड़ितों के आंदोलन से जुड़िए, क्या वो आपके नायक हो सकते हैं या आपके सिर्फ खलनायक हैं? तो मुझे लगता है कि आज ये भी जरूरी है कि आप इन चीजों से बचें, ताकि गलतियां जो पहले हुई हैं उनको हम रिपीट ना करें। और यही कारण है कि मैं अशोक भाती के इस आंदोलन को, उनके संगठन की इस इस क्षमता को मैं सैल्यूट करता हूं, कि वो लगातार काम कर रहे हैं बगैर किसी निजी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को के ऊपर, अपने सारे के सारे जो 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 जनता का सवाल है उसको कॉम्प्रोमाइज किए बगैर। और ये सिलसिला जारी रहना चाहिए, और ये छोटे छोटे जो आंदोलन हैं, हम समझते हैं कि बड़े आंदोलन का रूप लेंगे, क्योंकि चीजें बदलती हैं, बदलने के लिए धैर्य रखना होता है और लगातार आंदोलनों को की मशाल को जलाए रखना होता है। तो दोस्तों, यही कुछ बातें थी। मैं अंत में सिर्फ ये कहूंगा कि इस वक्त एक बड़ी व्यापक सामाजिक एकता की जरूरत है, और वो सामाजिक एकता दलित, आदिवासी, पिछड़े, माइनॉरिटीज के लोग, ये, क्योंकि हर व्यक्ति जहां भी इन समुदायों के लोग हैं वो मारे जा रहे हैं, कोई ट्रेन में चलते हुए, कोई अपनी गाय को अपने घर ले जाते हुए। एक ऐसा समाज
हमारे सामने आ चुका है कि बर्बरता की सारी इंतहा पार कर चुका है ये समाज और हम इसको लोकतंत्र कहते हैं। इससे ज्यादा फांसीवादी किस्म का समाज और कुछ नहीं हो सकता। इसलिए दोस्तों इन तमाम आंदोलनों को जोड़े रखना जरूरी है। लोगों की एकता ही मुझे लगता है कि बर्बर हमलों से आपको हमको और पूरे समाज को बचा सकती है। यहाँ तक कि जर्नलिस्ट भी असुरक्षित नहीं है। अगर एक जर्नलिस्ट बेहतर काम कर रहा है, छत्तीसगढ़ के एक पत्रकार को गिरफ्तार करके भेज दिया गया जेल में और आज तक जमानत नहीं होने दी गई, ये भी हो रहा है। ये कर्नाटक में गौरी लंकेश की हत्या कर दी गई, इसके पहले आप जानते हैं कितने प्रोफेसर कितने इंटेलेक्चुअल्स मारे जा चुके हैं। आजाद भारत में बौद्धिक लोगों पर, पढ़े लिखे लोगों पर, वे लोग जो जनता के सवालों को उठा रहे हैं, उनके मारे जाने की जितनी घटनाएं हाल में हुई हैं पिछले 5 सालों में, मैं सिर्फ 3 साल नहीं कहूंगा, पिछले 5 सालों में वो इंतहा मतलब सारी सरहदें तोड़ दिया है। इसलिए एक बड़ा ये खतरनाक मंजर है और इस पर एक बड़ी एकता की जरूरत है और अपने निजी स्वार्थों को छोड़कर हमें सामूहिक और सामाजिक स्वार्थ को आगे बढ़ाना होगा। इन शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।